इंसान हैं, हम ये तो समझते हैं, जानते भी हैं कि व्यसन से कितने नुकसान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम व्यसन को छोड़ते नहीं हैं। और व्यसन से अमेरिका में रिसर्च किया गया है कि एक वर्ष में भारत में 4,80,000 व्यक्ति की मौत होती है और कितने लोगों बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। व्यसन से हमको कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही है। और जब हम व्यसन की शुरुआत करते हैं तो हम अपनी तरफ से कभी भी व्यसन की शुरुआत नहीं करते हैं। कोई ना कोई हमारा साथी, कोई ना कोई हमारा संगी जो होता है वो हमको व्यसन की तरफ ले करके जाता है। जब पहली बार आप व्यसन करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, वो हमको मना करती है वो करने के लिए। आप पहली बार किसी के साथ जाएंगे ड्रिंक के शराब की दुकान में, वो आपके साथ ही सब कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, आपको भी बोलेंगे, लेकिन पहली बार आप उसको मना करोगे, आप कहोगे हम नहीं पीते हैं, लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर आपको वो फोर्स करेंगे कि आप पीजिए। तो हमारा मन फिर क्या कहता है, चलो एक बार पी लेते हैं, एक बार में क्या हो जाएगा, इनका भी मन रह जाएगा। लेकिन एक बार दो बार पिया और तीसरी चौथी बार फिर हम खुद से ही पीना शुरू कर देते हैं। और जब हम खुद से पीना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, फिर हम खुद भी पीते हैं और उनको भी, दूसरों को भी पिलाते हैं। जब पहली बार आप शराब पिया या सिगरेट पिए हैं तो पहले आपको चक्कर जरूर आया होगा पहली बार, या उल्टी आई या चक्कर आया। क्यों? क्योंकि हमारा जो खून है वो बिल्कुल शुद्ध होता है व्यसन के पहले। और जब पहली बार हमारे ब्लड में जहर मिक्स होता है तो हमको वो चक्कर आता है, उल्टी आती है, लेकिन धीरे धीरे फिर उस जहर की हमको आदत हो जाती है, उस ब्लड की, ब्लड को वो जहर चाहिए। फिर जैसे किसी से कहो कि ये व्यसन छोड़ दो तो क्या कहते हैं, हम आदी हो गए हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड को उस जहर की आदत हो जाती है। तो शुरुआत हम खुद करते हैं उसकी, अगर क्यों, छोटे से मन हमारा है और मन कहता है कि करें और बुद्धि कहती है ना करें। क्योंकि आप पहली बार कोई भी गलत काम करने जाएंगे तो सबसे पहले बुद्धि उसको मना करती है कि नहीं करना, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि मन बुद्धि पर हावी हो जाता है। क्योंकि मन जो है ना वो बुद्धि पर जब हावी हो गया तो बुद्धि हमारी कमजोर हो जाती है, और जब कमजोर हो जाती है तो वो हम कर्म बुरा गलत कर लेते हैं और वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। कोई भी कर्म करते हैं उसके हमारे संस्कार बनते हैं, चाहे हम अच्छा करें उसके भी संस्कार बनेंगे और बुरा करेंगे उसके भी संस्कार हमारे अंदर पड़ते हैं। वही संस्कार हमारी आत्मा में जाके रिकॉर्ड हो जाते हैं और उसी संस्कारों के अनुसार ही हमारा अगला जन्म होता है। तभी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो कोई अमीर घर में, कोई गरीब घर में जन्म ले रहा, क्यों? क्योंकि ये हमारे ही संस्कारों के अनुसार। तो कर्मों पर ही सब कुछ, जैसा हम कर्म करें होती है, दूसरे की नहीं बर्बादी होती। अगर किसी से कहो अच्छी चीज खाओ, बीड़ी गुटखा शराब नहीं पियो, तो कहेंगे अरे हम तो गरीब हैं, हम कहाँ अच्छी चीज खा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो गुटखा जो है वो 2,000 किलो है, 2,000 रुपए किलो है गुटखा, और घी है 700 रुपए किलो, काजू है 1,000 रुपए किलो और गुटखा 2,000 रुपए किलो। तो हम 2,000 रुपए किलो का गुटखा खा सकते हैं खरीद के, लेकिन 1,000 का काजू खाने के लिए
गरीब हैं हम, तो हम गरीब हम नहीं है, गरीब हम अपने कर्मों से हैं, हम अपनी सोच से गरीब हैं। अगर हमारी सोच अच्छी हो जाएगी तो हमारी गरीबी मिट जाएगी। तो अगर एक ही घर में पति व्यसनी है और पत्नी फैशनेबल है तो वहाँ बरकत नहीं हो सकती है। तो बरकत होगी, हमको देखना है कि हमें हमारे शरीर को क्या फायदा है और क्या नुकसान है। जो हम पुड़िया खाते उसमें लिखा होता है साफ साफ कि इसको खाने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड करके खा रहे हैं। अगर आप किसी से भी पूछो कि व्यसन से हमको क्या फायदा है, तो फायदा है कुछ खाने से उसको? नहीं है फायदा। तो उसको खाने से क्या होगा? हमें हमारे धन की बर्बादी, हमारे शरीर की बर्बादी। तो हम अपनी ही बर्बादी क्यों करें? हम अपने ही शरीर की, अपने धन की बर्बादी क्यों करें? तो हमें खुद अपने विवेक से सोचना है, किसी के कहने से या किसी के बोलने से नहीं, अपने विवेक से अगर आप सोचोगे तो आपको खुद फील होगा, खुद रियलाइज होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों ये बर्बादी कर रहे हैं। कितने कैंसर के मरीज कितने मुंह में खाना नहीं खा सकते हैं, किसी चीज का स्वाद नहीं मिल सकता है। अगर आप मसाला खाते हो तो कोई भी चीज का आपको स्वाद नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं जो हमको ये छोड़नी है, और जो हम इतनी छोटी सी चीज के लिए मन जो हमारा बिल्कुल उसमें हो गया है, तो उसको हमें खुद अपने मन को अपने बश में करना है। छोटी सी 2.5 इंच की बीड़ी जो होती है यही मौत की सीढ़ी है। इतनी छोटी 2.5 इंच की बीड़ी में हमारा मन वश में है, इसके बिगर हम नहीं रह सकते हैं। और इतना बड़ा जो हमारा शरीर है, तो इतना बड़ा शरीर इतनी छोटी सी बीड़ी के वश में हो गया है। तो हम जो मानव है वो बहुत विवेकशील प्राणी है और बहुत उसके अंदर ताकत है। एक मनुष्य भी है जो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य के अंदर ही हर चीज है, मुस्कुराने की कला, गीत गाने की कला। कभी देखा है किसी गधे को मुस्कुराते हुए, किसी गधे को हंसते हुए देखा है? एक मनुष्य ही है तो वही तो हंसता है, वही खुश होता है, वही सुख दुख की फीलिंग करता है। तो जो हम मनुष्य है तो हम जानवरों की जिंदगी क्यों जिए? आज मनुष्य दुनिया में जानवरों से भी बदतर बन गया है। तो जानवर जो कर रहे हैं वो मनुष्य भी वही कर रहा है काम, और मनुष्य उससे भी बदतर कर रहा है। कभी भी जो गधा है वो कभी भी तंबाकू की जो खेती होती वहां कभी भी नहीं घुसता वो, लेकिन मनुष्य वो चीज खा रहा है। तो सबसे पहले जो हम खा रहे हैं जो भी चीजें, उसको हमें छोड़ना है, अपने विवेक से खुद सोचना है हमें कि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक है। और अगर हम खा रहे हैं तो हम अपने बच्चे को भी मना नहीं कर सकते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है, इसको ना खाओ, क्योंकि सबसे उल्टा जवाब हमें मिल जाएगा, आप तो खाते हो हमें क्यों मना कर रहे हो। तो हम उनके कहने लायक भी नहीं बचेंगे। तो अगर हमें अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि पहले दूसरा व्यक्ति बदले तब हम बदले। कोई भी बातों में, जरा जरा सी बातों में कुछ भी बात हो जाती है तो वो बदले, उसकी वजह से हमको ये समस्या है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें बदलना है। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। अगर हर एक व्यक्ति अपने अपने को बदल लेगा तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले हमें अपने को बदलना पड़ेगा। अपने को बदलना मतलब छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करना है। परमात्मा ने कहा ना दुख देना है और ना दुख लेना है। आज हम क्या करते, दुख देते
दुखी हो गए, उदास हो गए। क्यों? क्योंकि हमने ले लिया ना, कोई स्कूल चीज हमको कोई दे और हम नहीं ले तो उसी के पास रहेगी वो चीज। तो कोई हमको गाली दे रहा है तो हम क्यों ले? कोई हमको गलत शब्द बोल रहा है तो हम क्यों ले? हमें लेना ही नहीं है, रखे रहो अपने पास। अगर हम नहीं लेंगे तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा, लेकिन ये बुरी चीजें तुरंत धारण कर लेते हैं अपने अंदर और अच्छी चीजें भूल जाती हैं। जैसे एक धोबी था, उसके पास एक गधा था, बूढ़ा हो गया था गधा। वो गधा चढ़ते चढ़ते एक कुएं में, सूखे कुएं में गिर गया। जब सूखे कुएं में गिर गया तो गधा को ढूंढने लगा धोबी, कहां गया गधा। देखा कुएं में गिरा है, सोचा काम का तो कुछ है नहीं, सब गांव वालों को इकट्ठा करके इसमें मिट्टी डलवा देते हैं, अब ये कोई काम का है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सब मिल करके उसमें मिट्टी डालने लगे। एक तसला दो तसला मिट्टी जब उसमें गिरी तो गधे ने सोचा कि ये तो मुझको दबा रहे लगता है। तो उसने क्या किया, जहाँ एक तसला मिट्टी पड़ी उसमें तो उसको झाड़ के फिर ऊपर आ गया, फिर एक तसला पड़े फिर झाड़ के उसको ऊपर आ गया। जितनी मिट्टी पड़ती गई वो झाड़ झाड़ के ऊपर आता गया और एक समय ऐसा आया कि वो गधा ऊपर आ गया। ऐसे हमारे ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी पड़ती रहती है पूरे जीवन में, सुख दुख परिस्थितियां आती रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं उन मिट्टी को अपने ऊपर लेते रहते हैं और एक समय आता है उसमें दब जाते हैं। दब जाना माना डिप्रेशन, बीमारियां, ये सब क्यों है? ये हमारी निगेटिव सोच से। तो अगर हमारे काम की चीज है जो वो रख लो, और जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको झाड़ के ऊपर आ जाओ। तो ये हमें खुद करना पड़ेगा, दूसरा नहीं। तो जो हमारे काम की चीज है वो हमें रखना है, और बेकार की चीजें नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा बेकार की चीजें हमारे माइंड में रहती हैं। तो हमने अपने मन को माइंड को डस्टबिन बना लिया है, जिसने भी कुछ बुरा दिया बस उसमें डालते गए। कचरा डाल रहे और साफ कर नहीं रहे तो बदबू तो आएगी, और बदबू निकलती है बीमारियों से। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग लाएं अपने अंदर, कैसे हम अपने मन को अपने वश में करें, ये हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय केंद्र है, ऑल वर्ल्ड में है। आप किसी भी सेवा केंद्र में जा करके शिक्षा ले सकते हैं, 7 डेज का कोर्स होता है और मेडिटेशन भी सिखाया जाता है, जहां पर आप पहुंच करके इसका लाभ ले सकते हैं। और बहुत लोगों ने लाभ लिया है इसका, और बहुत लोग अपने जीवन को भी परिवर्तन कर रहे हैं। एक चंबल के डाकू थे पंचम सिंह, बहुत बड़ा गिरोह था उनका, 300 लोगों के वो बड़े सरदार थे, वो कितने व्यसन करते हैं वो। लेकिन वो जब से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कनेक्शन में आए तो उन्होंने सारे व्यसन छूट गए और उन्होंने सब छोड़ दिया और पूरी तरह से सेवा में लग गए हैं। तो हम लोगों का काम ही है मन को शांति देना और जीवन को परिवर्तन करना। समय आप लोग दोगे तो आप लोग का जीवन भी परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।